लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड संशोधित बिल 2024 पेश हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह बिल पेश किया। इस पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आपत्ति दर्ज की, वहीं समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने भी विरोध जताया। उस जेपीसी में सर सीधा सीधा वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं है, वहां मैन पावर टोटली इनसफिशिएंट है, इनकम्पिटेंट है और फंड इतना कम है, सही मैनेज नहीं किया गया है, इस तरीके से वक्फ बोर्ड नहीं चल सकता है। दूसरा मुतावली के बारे में कहा है कि लगता है सारा वक्फ बोर्ड का ध्यान किसको मुतावली बनाना है और उसको कैसे हटाना है इसी में केंद्रित है, इसलिए इसका प्रावधान को हटाना चाहिए। फिर कहा गया है डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जितने भी है उसको प्रॉपर से मेंटेन करने का भी प्रावधान वक्फ बोर्ड में नहीं है, उसको किया जाना चाहिए। और आया को सीधे ले चलते हैं लोकसभा, जहां पे वक्फ बोर्ड संशोधित बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अपना संबोधन दे रहे हैं। अब हम सर बड़ा विषय पे जाना चाहता हूं सर, ये हमने जो कंसल्टेशन का प्रोसेस किया है, मैं पुराने दिनों के बारे में नहीं कह रहा हूं, 2014 के बाद कितने लोगों से, हजारों लाखों लोगों से, या तो आप मंत्रालय के ओर से जाके उनके साथ कंसल्टेशन किया या वो रिप्रेजेंटेशन लेकर के मंत्रालय में आए और उनके बात को हमने सुना है। सर पिछले एक साल के अंदर में, पिछले सिर्फ एक साल के अंदर में ऑनलाइन कंप्लेंट 194 कंप्लेंट्स रिलेटेड टू इंक्रोचमेंट एंड इलीगल ट्रांसफर ऑफ वर्क लैंड एक साल के अंदर में, और 93 कंप्लेंट अगेंस्ट वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स एंड 279 एक जनरल कंप्लेंट, ये ऑनलाइन हमारे पास में पोर्टल में आया है। उसके बाद सर आज आज सर ये एक समुदाय का बात मुसलमानों को गुमराह करके यहां बात रखा जा रहा है, कल देर रात तक मेरे पास में मुसलमानों का डेलीगेशन आते रहा और हमसे पहले भी कितने लोग मिले हैं, और इसको आप ये सोचते हैं कि क्या सर ये क्या बोहराज कम्युनिटी का संख्या कम है, इसके लिए ये महत्व नहीं देंगे क्या?